सरकार के 1 फरवरी को बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर अब 23 जनवरी को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जब पिछली सुनवाई हुई थी तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा था याचिकाकर्ता से कि कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है, अगर कोई ग्राउंड मिलता है तभी हम नोटिस जारी करेंगे। अब जब 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी तो उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, याचिकाकर्ता को आज सुप्रीम कोर्ट को बताना था कि आखिर संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या फिर किस कानून का उल्लंघन हुआ है। आज मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एमएल शर्मा की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया कि वो अतिरिक्त हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें समय दे दिया है। अब पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप हमें संतुष्ट करने में सफल हो पाते हैं कि किन प्रावधानों के तहत ये उल्लंघन है तब हम नोटिस जारी कर देंगे, नहीं तो हम याचिका को खारिज कर देंगे। बहरहाल एक मौका और मिला है एमएल शर्मा को हलफनामा दाखिल कर वो बताएंगे कि किन प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आशीष बता रहे हैं कि याचिकाकर्ता एमएल शर्मा की ओर से कहा गया है कि वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें वक्त दिया है और अब 23 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।